हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल एलो। एक काफी बड़ी थिंग है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि समर स्लैम में पॉसिबली ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर को डालने वाली है, या फिर अगर ब्रॉक लेसनर अवेलेबल नहीं होते देन वो रैंडी ऑर्टन को डालेगी। तो इसी से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट आई है कि शायद से ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले समर स्लैम के इवेंट में, क्योंकि वो होने वाला परफॉर्मेंस सेंटर में। और समर स्लैम के इवेंट में हमें ड्रू मैकइंटायर अपनी टाइटल लॉस करते हुए दिख सकते हैं अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE को लगता है अगर वो एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच थर्ड टाइम करवाते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए, देन वो ज्यादा बड़ा मैच होगा। और अगेन हमें ड्रू मैकइंटायर रेसलमैनिया 37 में WWE चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं, ताकि उन्हें वो मोमेंट क्राउड के सामने देखने को मिले। बट हाँ, रेसलमैनिया अभी काफी ज्यादा दूर है, बट समर स्लैम काफी नजदीक है। तो क्या पता हमें रैंडी ऑर्टन हराते हुए दिखे समर स्लैम में ड्रू मैकइंटायर को, एंड वो बन जाए न्यू WWE चैंपियन। इसलिए देखते हैं WWE इस समर स्लैम में इसी आइडिया के साथ जाती है या फिर नहीं। और हाँ, इस रॉ में हमें एक्सट्रीम रूल्स के पेपर व्यू के लिए रैंडी ऑर्टन और बिग शो का एक सिंगल्स मैच ऑफिशियल होते हुए दिख सकता है। लेकिन गाइज, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आप समर स्लैम 2020 में रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप मैच देखना चाहते हैं या फिर नहीं, और आपके अकॉर्डिंग इस मैच में किसकी जीत होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।